ये कहानी विगत दिनों में हुई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के क्रिकेट मैचों में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। पूरे देश में सभी जगह बस एशिया कप की ही धूम मची हुई थी और पूरे देश को बस इसी का इंतजार था कि कब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होगा और रमेश को भी यह मैच बेसब्री से इंतजार था। रमेश पहली बार अपनी आइडियल विराट कोहली को देखने वाला था। इस मैच का टिकटों का मारा मारी के बावजूद बहुत कोशिशों के बाद रमेश को इस मैच का एक टिकट मिल जाता है। वह अपने आइडियल विराट कोहली को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और ऐसे ही कुछ दिनों के बाद मैच का दिन भी आ गया। रमेश अपने फेवरेट क्रिकेटर विराट कोहली को सपोर्ट करने मैदान पहुंच गया। सारा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और लोगों का दीवानापन इस मैच में देखने लायक था। इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। मैच के शुरुआती ओवर में इंडिया को एक अच्छी शुरुआत भी मिल चुकी थी, पर रमेश के ठीक पीछे एक आदमी और बैठा था जो गेम के प्रत्येक बॉल पर कुछ न कुछ बोल रहा था। रमेश ने उसे देखा तो लगा कि वो आदमी दिखने में जितना अजीब उतना ज्यादा डरावना भी था। उसने अचानक रमेश के कान के सामने आकर बोला चौका और अगले ही बॉल पर चौका चला गया। फिर उसने बोला आउट तो अगले ही बॉल पर एक विकेट गिर गया। वो हर बॉल के पहले रमेश के कान में कुछ बोलता और मैच के हर बॉल पर ऐसा ही होता। मानो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मैच उसके कहने पर चलता हो। रमेश उसके बातों को सुनकर थोड़ा हैरान हो गया और उसने पूछा कि तुम्हें ये सब पहले ही कैसे पता है और तुम कौन हो। परंतु उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी रमेश ने अचानक देखा कि ग्राउंड के बड़े स्क्रीन पर वह खुद को देख पा रहा है। वह तुरंत एक्साइटेड होकर अपने बेंच से वहीं उठ गया। फिर उसने गौर किया कि उसके पीछे बैठा आदमी स्क्रीन से गायब है, वह स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है। रमेश के होश उड़ गए। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी रमेश को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी रमेश ने पूछा कि तुम कौन हो। तभी उसने बताया कि इस स्टेडियम में वह कई सालों से ग्राउंड्समैन का काम कर रहा था। वह अपने ग्राउंड्स में विराट कोहली को खेलते हुए देखना चाहता था, परंतु एक साल पहले ही एशिया कप की तैयारी करते वक्त उनकी मृत्यु हो गई थी। ये सुनकर रमेश कुछ लम्हों के लिए सूना रह गया। रमेश ने डरते हुए अपने बगल में बैठे एक आदमी से पूछा, क्या वे अपने अजीब से दिखने वाले आदमी को देख पा रहा है। वो आदमी ने उस सीट की ओर देखते हुए रमेश से कहा, भाई क्यों मजाक कर रहे हो, वो सीट तो तभी से खाली पड़ी हुई है। मैच देखने दो यार, तुम डिस्टर्ब मत करो। रमेश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो डर के मारे तुरंत स्टेडियम से निकल गया। जब रमेश स्टेडियम से बाहर आकर फिर से एक बार पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी गेट के सामने खड़ा हुआ था। वो रमेश को देखकर मुस्कुरा रहा था और वहां से तुरंत गायब हो गया। रमेश तुरंत डर के मारे घर चला गया और सो गया। वो सुबह फिर से स्टेडियम आया और स्टेडियम के गार्ड से पूछने पर पता चला कि यहाँ पर काम करते वक्त एक साल पहले एक आदमी की मृत्यु हो गई थी, जिसका आत्मा अभी भी यहाँ पर भटकता रहता है। यह सुनकर रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, परंतु ग्राउंड्समैन का बात सुनने के बाद उन्हें यकीन हो गया था।